मुंबई हमला केस में भारतीय गवाहों के पाकिस्तान न आने के बायस तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही। हाफिज सईद को अदालत ने रिहा किया। जनरल निकलसन के बयानात नए नहीं, उनके बयानात से पहले ही इख्तलाफ कर चुके हैं। नई अमरीकी पॉलिसी के बाद पाक अमरीका रवाबत में काफी तेजी आई, ये कहा तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने। हाफिज सईद वॉज ओनली इन प्रोटेक्टिव कस्टडी अंडर MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाफिज सईद को सिर्फ हफाजती तौर पर MPO के तहत नज़रबंद किया गया था। अमेरिका के साथ इख्तलाफात को कम करने के लिए अमेरिका से बात की जाएगी। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा के पाकिस्तान के दौरे में तमाम जरूरी अमूर पर बात की जाएगी। जवाब का जायजा ले रहे हैं, अभी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान ने इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद को अपने तजुर्बात से फायदा पहुंचाने की पेशकश की है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद में शिद्दत पसंदी से निमटने और मीडिया मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दादे दहशतगर्दी के लिए तावन और मुश्तरका मशकों की तजवीज जेरे गौर रही और पाकिस्तान इस्लामी फौजी इत्तेहाद को फायदा पहुँचाने की पेशकश भी की। तर्जमान दफ्तर हारजा ने बताया तुर्क पुलिस ने 3 इंसानी स्मगलर्स समेत 57 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। कौंसलखाना राबते में है, पाकिस्तानियों की वापसी जल्द होगी। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।